हम तो इंडियंस हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं देखने, उन्हें उन्हें क्या दे, ये बोलोगे कि इधर घास उगी हुई है। एंड ये है मॉस्क, यहाँ हम ही पागल हैं जो यहाँ आए। जय श्री राम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हैं हम कनाट प्लेस में, मतलब कि थे कनाट प्लेस में। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें हम जा रहे हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट एंड अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास, राजघाट के आसपास। उस वाला वो वाला एरिया कवर करेंगे। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं भी पहले कभी नहीं गया, तो वीडियो के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। तो आज चलते हैं फिरोज शाह कोटला। पहले गूगल किया आराम से, तो हमें मंडी हाउस के लिए मेट्रो पकड़नी है एंड मंडी हाउस से हम चेंज करेंगे दिल्ली गेट के लिए। दिल्ली गेट से हमें उतर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो हम जा सकते हैं। फिलहाल जा रहे हैं मेट्रो के गेट पे पैदल पैदल और मिलते हैं आपको सीधा वहीं पे। तो अभी हम दिल्ली गेट उतर चुके हैं और मुझे पता नहीं था कौन से गेट से एग्ज़िट लेनी है, फिर भी हम ले रहे हैं इस वाले गेट से एग्ज़िट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है अरुण जेटली स्टेडियम के लिए गेट नंबर 5, बाकी राजघाट वगैरह के लिए उधर की साइड से। तो अरुण जेटली स्टेडियम से आगे की साइड था वो फिरोज शाह कोटला फोर्ट, तो हमने गेट नंबर 5 से एग्ज़िट ले लिया फ़िलहाल। और शाम होने वाली है, थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा और फिर मौसम हो जाएगा सेट एक नंबर का, फिर घूमने में और मज़ा आएगा। चलते हैं घूमते हैं, और मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो बाहर निकल के देखते हैं कैसा क्या सिस्टम है। और जो अरुण जेटली स्टेडियम है, इसी स्टेडियम का नाम पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, क्योंकि ये फिरोज शाह कोटला फोर्ट के पास में लगता है, इसलिए अब इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। तो इसी वाले रोड पे आगे की साइड होगा फोर्ट अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। बाकी गूगल मैप्स भी कभी कभार धोखा दे देता है। एक बार ही मैं गुड़गांव एम्बियंस मॉल में जा रहा था भाई, इसने गूगल मैप्स ने हमें खेतों में लेके जाके खड़ा कर दिया, कहता यही है एम्बियंस मॉल। तो भाई फिलहाल मैं सोच रहा हूँ पहले कुछ खा लेते हैं और इन्हीं से पूछ लेंगे एंट्री कहाँ से एग्जैक्टली फिरोज शाह कोटला फोर्ट की। तो भाई जो ये फोर्ट की एंट्री बता रहे हैं वो तो इधर से बता रहे हैं, बाकी फोर्ट में जाने से पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ खा लूँ, तो मैंने लिए एक पेटीज़। तो भाई फिलहाल यहाँ से खाई पेटीज़ और एक लिए पल्पी ऑरेंज। और भाई एक बार ही आओ ना यहाँ पे, मतलब आओ यहाँ पे तो भाई पेटीज़ टेस्ट करना भाई, पेटीज़ में स्वाद आ गया, अंदर जाने से पहले मज़ा आ गया। एक बात कमेंट करके बताओ मेरे को, ये जो गवर्नमेंट हर एक चीज़ के नाम चेंज कर रही है, जैसे पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था वो, अब उसका नाम बदल के कर दिया अरुण जेटली स्टेडियम, तो ये सही कर रही है या गलत कर रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताओ मेरे को। देखते हैं एंट्री वगैरह का क्या लगता है, वहीं पर चल के पता चलेगा, कहीं यार ऑनलाइन टिकट बुक ना करनी हो, कहीं सीन हो जाए। बाकी मेरे हिसाब से इन्हें ऑफलाइन भी एंट्री देनी चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं है, कोई रश नहीं है, बाकी गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं, मे बी ऑफिसेज होंगे आसपास, लेकिन फोर्ट में तो कोई मुझे भीड़ नहीं दिख रही है। तो भाई यहाँ से एंट्री है और टिकट लेनी पड़ेगी उधर से, और हम जो सोच रहे थे अंदर जाके पियेंगे से यहीं पर निपटानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर लिखा है अनाज आटा खाने पीने का सामान पूजा सामग्री पॉलीथीन आदि अंदर लेके जाना मना है। तो जो भी चीज़ है वो हमें बाहर ही निपटानी पड़ेगी, अंदर हम नहीं लेके जा सकते। टिकट लेते हैं, इसे निपटाते हैं और फिर चलते हैं हम अंदर। तो ये ले ली हमने टिकट एंट्री के लिए, और आप प्राइसेस पढ़ सकते हो, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 20 है, कैश करते हो 25 है, और कैशलेस पेमेंट करते हो और फॉरनर हो तो है 250, एंड अगर कैश पेमेंट करते हो फॉरनर हो तो है 300। खैर फॉरनर तो कौन ही देखेगा, मेरी वीडियोज़ हिंदी में है। एंड अभी तक मैंने ये नहीं निपटाई, इसे फटाफट निपटाते हैं और लेते हैं एंट्री। सो भाई ले लिया फ़िलहाल फिरोज शाह कोटला फोर्ट में एंट्री, और भाई पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है, अब बना रहे हैं यहाँ पे कुछ पत्थर वत्थर भी ला कर रख रखे हैं इन्होंने, पता नहीं क्या कर रहा है भाई, हम भी पहली बार ही आ रहे हैं, कुछ नहीं पता हमें, पता नहीं भाई किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी, क्या बना रहे हैं। और अंदर एंट्री मतलब अंदर बंद होता है ये सनसेट पे, कहने का मतलब ये है कि सनसेट होते ही बंद हो जाता है, जब तक सूरज है जब तक एंट्री है जब तक तुम अंदर रह सकते हो, सूरज जाते ही सनसेट होते ही तुम्हें बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो
तो सनसेट तक है सारा सिस्टम जो भी है। मुझे लग रहा है गलत जगह आ गए, बाकी और जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना हमें पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं। कहीं पे भी नहीं लिखा भाई किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी, वो सिर्फ जनरल लिख रखा था इन्होंने, बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा। हम ही अंदर चल के देख लेते हैं भाई क्या सिस्टम है। देखो अगर हम ऐसी कोई किसी भी जगह पे आते हैं मतलब कि ओल्ड स्ट्रक्चर है या ऐसा कुछ है तो वहाँ पे ऐसे देखने के लिए कुछ नहीं होता, पर जब हम उस जगह के बारे में पढ़ते हैं हमें पता चलता है ये सारा कुछ है ये सारा कुछ था तो मज़ा आता है। पर यार यहाँ पे कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ ही नहीं है इन्होंने कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। अभी तक मैंने इतने सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए, कहीं पे भी किसी के बारे में भी कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। अंकल जी यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। ये एरिया बंद है, किधर किधर जाना है? उधर की साइड, उधर लिखा हुआ है सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी से हमने पूछा एक्चुअल में हमें उधर की साइड जाना है, ये वाला एरिया पूरा बंद है। ये क्या दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है? अच्छा घास की वजह से बंद है। हाँ सही बात है। तो ये वाला सारा एरिया बंद है, पता नहीं यार क्या ही चल रहा है। मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी ऐसी जगह पे आके, जैसे कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, और जैसे ये है। पर यार जब मेंटेनेंस नहीं होती, कुछ बढ़िया तरीके से नहीं होता तो बुरा भी उतना ही लगता है, क्योंकि जैसा मैंने देखा वो वाला सारा एरिया मतलब बहुत ज़्यादा कचरा ख़राब हुआ है। वो खुद कह रहे हैं कि मेंटेन नहीं है, घास बड़ी बड़ी उगी हुई है, कीड़ा काटा कुछ निकल आए। हम तो इंडियंस हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं देखने, उन्हें क्या ये बोलोगे कि इधर घास उगी हुई है उधर जाके पढ़ो? बहुत बढ़िया भाई, मुझे तो डिस्कवर करने में मज़ा आता है, चीज़ें नई चीज़ें पता चले कि कहाँ पे क्या है। मैं भी फर्स्ट टाइम आया था पर मेरा मूड वहीं पे ख़राब हो गया, पर हम मूड ख़राब नहीं करते, हम जहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं उसे देखते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर और देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, बाकी मैंने तो पढ़ लिया, ये है मस्जिद इधर, एंड इधर क्या है, हमारा उल्टी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान होता है, पता नहीं है क्या है, किस चीज़ का है ये एरिया। बंद कर रखा है वैसे अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो अभी ऊपर चलते हैं और उधर की साइड में चलते हैं अब। तो ये जो आप मस्जिद देख रहे हो ये 1354 में बना था, और ये उन कुछ स्ट्रक्चर्स में से है जो इतने टाइम बाद तक सरवाइव कर रहे हैं। लेट्स गो इनसाइड। सो शूज़ उतारने पड़े हैं बाहर, एंड आ चुके हैं अभी हम अंदर, एंड ये है मॉस्क, यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स प्रे कर रहे हैं, एंड यहाँ पे कुछ सामान रखा है इनका। इंटरेस्टिंग। तो यार मैं सॉक्स में ही आ गया हूँ, सॉक्स नीचे से गंदी तो हो गई होंगी। एंड इधर की साइड क्या है? सो इधर की साइड भी है पार्क, अरे पार्क बढ़िया लग रहा है, शाम को यहाँ पे बैठ सकते हैं, बढ़िया, बस तुम नीचे ना गिरो, इस बात का ध्यान रखना, नीचे गिर गए तो तुम्हारी हो जाएगी, फिर पत्थर हैं चुप जाएंगे अंदर घुस जाएंगे। सो उधर वो प्रे कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उधर की साइड नहीं चलते हैं, हम देखते हैं इधर का स्ट्रक्चर, पता नहीं ये भी शायद से मस्जिद का ही पार्ट है। एंड उधर क्या है, बहुत पीछे तक है और ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ से उधर, नीचे जाने का देखना है मैंने, उधर की साइड नीचे कैसे जा सकते हैं हम, आई एम नॉट श्योर। ये है क्या रास्ता? सो ये लग रहा है रास्ता, नहीं नहीं भाई ये तो सुसाइडल रास्ता है कि तुम यहाँ से मर के पहुँच सकते हो, पहले तुम नीचे पहुँचोगे फिर तुम ऊपर पहुँचोगे। तो स्टिल ये जो मस्जिद है ये वर्किंग में है, यहाँ पे लोग आते हैं पूजा कर
जो भी होता है आई डोंट नो, पर प्रे करने आते हैं यहाँ पे अभी भी लोग। बढ़िया है भाई, यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पे जूते उतारने थे बाहर, मैं तो उतार के चला गया। बाकी देख लो, कोई भरोसा नहीं है, नंगे पैर घर पे जा रहे हो सकते हो तुम। कहीं पे घर वाले पूछे कहाँ गए भाई चप्पलें। तो सीन ऐसा है, ये बाहर से टिकट ले रहे हैं फुल अमाउंट। मेरी अभी यहाँ पे गार्ड से बात हुई सारी, तो उन्होंने कहा कि रिकंस्ट्रक्शन का जो बिल पास हुआ था इस एरिया के लिए, वो लॉकडाउन से पहले हुआ था, और इन्होंने सारी जो ये बिल्डिंग्स हैं ये तो बंद कर दी हैं पहले ही, कि अंदर जा नहीं सकता कोई, और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया है इन्होंने अब। नाइस, और अब हम उसके अंदर भी नहीं जा सकते, बाहर से ही देख सकते हैं क्या, और लिखा हुआ भी जो है वो उसके अंदर ही है। बाकी सिर्फ मॉस्क मस्जिद खुला हुआ है, क्योंकि इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप, एंड वहाँ पे तो भाई उन्हें खोल के रखना ही पड़ेगा, लोग जाएंगे ही जाएंगे, तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो खुला है, बाकी सब बंद है। पार्क है ये अभी फ़िलहाल, तो आप पार्क में आ सकते हो और बैठ के जा सकते हो, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर बाहर से तो दिख जाएगा, मतलब वही है, फिर गूगल कर लो यहाँ पे आके और पढ़ लो। तो भाई जो अभी अंकल थे यहाँ पे जिनसे मैं पूछ रहा था इसके बारे में, उनके अंदर अलग ही टाइप का एटीट्यूड था। मैंने कहा ये क्या है, कहते बाउली। मैंने कहा अच्छा, गंदी सी शक्ल बना के निकल पड़े, और वो तिल भी ऐसे ही रहे हैं। देखो एंट्री के पूरे पैसे लिए, अंदर सारा कुछ बंद पड़ा है, बस पार्क में आओ बैठ के चले जाओ। अब बाहर से मना कर देते मेरे को, लेकिन फिर मुझे ज़्यादा बुरा लगता अगर बाहर से मना कर देते, तो ये भी ठीक है मुझे अंदर आने दिया एटलीस्ट। बाहर से तो मैंने अंदाज़ा ले लिया है क्या। बस तुम ये कह सकते हो कि ये एरिया रिजर्वड है, यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी है तो बढ़िया है, अच्छा लगता है मतलब यहाँ पे बैठ के रह के। और वो थी बाउली, बाउली के साइड में ये जो है ये भी नहीं पता क्या है, एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड। यहाँ पे सब कुछ बंद पड़ा है, हम ही पागल हैं जो यहाँ आए, ठीक है। वैसे हम फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। झोला है नहीं वैसे हमारे पास में, ये कोई बैग्स वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास में, तो हम बिना झोला उठाए चल पड़ेंगे। फ़िलहाल हो रहा है शाम का टाइम, सारा कुछ परफेक्ट था, अगर ये इनके अंदर जाने देते, कुछ एक्सपीरियंस करने देते, कुछ देखने देते। हमने आके देखी बस एक मस्जिद, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ ये कह सकते हैं मे बी उन्होंने अंदर एंट्री इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे को मस्जिद में जाना है, बट उन्होंने मेरे माथे पे तिलक नहीं देखा, ठीक है। हुई हुई छोटा सा पेड़, हुई हुई हुई। बाकी यार तुम्हारे साथ में घूम के भी मज़ा आ रहा है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं अकेला जाऊंगा घूमूंगा तो इतना मज़ा नहीं आएगा, अकेले अकेले मैं बात किससे करूंगा, बट भाई कैमरा के सामने एक बारी तुम बोलने लग गए, देर इज़ नो गोइंग बैक, फिर भाई तुम्हें मज़ा आएगा यार, मज़ा आ रहा है तुमसे बात करके मेरे को। जो भी तुम देख रहे हो 10-20-30 लोग, ऐसे ही देखते रहो, बढ़िया बढ़िया वीडियोस में ऐसे ही घूमता रहूँगा, तुम देखते रहो घर पे पड़े पड़े, तुम्हें धूप में नहीं घूमना पड़ रहा, एसी में पड़े पड़े देख रहे हो। हो लूँगा भाई तुम्हारे लिए, इतना परेशान हो लूँगा, पर तुम सब्सक्राइब तो कर दो यार। सो वो जिस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, वो कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रही है ऊपर गेट पे, एंड सूरज ढलने का समय हो चुका है, तो आधे आधे नहीं एक घंटे में तो यही बाहर निकाल देते, पर जिस हिसाब का सीन हुआ है कि अंदर कुछ भी नहीं मिला मेरे को, उस हिसाब के सीन के हिसाब से तो मुझे अभी बाहर जाना पड़ेगा। नाइस, लग रही है सारी कंस्ट्रक्शन गेट पे ही, और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चाह क्या रहे हैं, कि अभी ऐसे पत्थर मंगाए हैं ऐसा ही बना देंगे सेम, फिर भाई हिस्ट्री क्या रह जाएगी जब ये दोबारा ही बना देंगे। तो गाइस आप सभी लोगों को क्या लगता है कि मैं थक गया हूँ? नहीं, मैं थका नहीं हूँ, मैं मेरी मरने वाली हालत हो गई है थका नहीं हूँ मैं। एंड भाई अंकल जी पूरे पीछे से रिक्शा लेके आए, स्ट्रेट लौंडा, तो भाई हालत ख़राब हो गया, मरने वाली हालत हो रही है बिल्कुल। एंड दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो, मिलते हैं फिर कभी किसी। Prepare to break the silence.
जय श्री राम।